मुझे जो बंद कमरे में कहा गया था पार्टी से, आज मैं इस खुले मंच से कहता हूं, मुझे बुला के यही कहा गया कि सारी पार्टियों की इसमें पॉलिसी बन गई है, तुमने विरोध नहीं करना चाहिए, तुमको जो चाहिए वो सियासी हम देंगे, तुमको एमएलसी देंगे, तुमको टिकट देंगे, तुमको मिनिस्ट्री देंगे, तुम बस इस पे पर्दा डालो। तो मेरा सवाल आपसे है कि उनको बीजेपी एमएलसी दे रही थी या बीजेपी मिनिस्टर बना कि कांग्रेस दे रही थी? सरकार गिरने के बाद कांग्रेस कैसे देंगे? सरकार गिर गई थी तब एक डिसीजन हुआ था, जो उद्धव ठाकरे का जो साहब का एक व्यक्तिगत डिसीजन था जिसके ऊपर कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में उतना दमखम है कि वो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर सकती? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं अब लोकसभा इलेक्शन होने के बाद में विधानसभा की तरफ अब कहीं ना कहीं पड़ाव पड़ता जा रहा है। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद में भी कहीं ना कहीं हलचल होती नजर आ रही है। बीजेपी को छोड़कर कई बड़े चेहरे शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ चले गए हैं, कोई कांग्रेस की तरफ आ रहा है, कोई एमआईएम की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है? इसलिए कि अब विधानसभा इलेक्शन होना वाला है। अब मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता है, मसरूर सोहेल खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे, कांग्रेस के मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, औरंगाबाद के मुद्दों पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर खास बात तो ऐसी है कि अक्सर आरोप लगते थे दूसरी पार्टियों पर, लेकिन आज कांग्रेस पर ही आरोप है सबसे बड़ा कि विधान देखने में ही आ रहा है कि कहीं पर भी मुसलमान चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं इस देश की और इस महाराष्ट्र की जनता से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को एक बड़ा बहुमत के साथ इनको वोट दिया है। और इसी के इसका जो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट ये है कि एक आपको एक मजबूत विपक्ष मिला है, जो मोदी सरकार और उनकी जो नीतियां है जो आम जनता के खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ, इनको रोका जा रहा है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर एक स्ट्रांगली विरोध कर रहे हैं ऐसी नीतियों का। तो मैं तमाम जनता से इसका शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे कि आप का कहना है कि कांग्रेस जो तो एक किसी समाज की को लेकर या किसी समाज की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस के लिए तमाम समाज, तमाम वर्ग एक जैसे है। अगर आपने पिछले टाइम पे देखा होगा कि माणिकराव जी ठाकरे की जो सीट थी एमएलसी की, वो वजाद मिर्जा को दी गई थी, और इमरान प्रताप गढ़ी को भी जो महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा गया था, राज्यसभा मेंबर, ये भी एक मुस्लिम चेहरा था। तो उसके बाद चंद्रकांत हंडोरे जी है जो दलित समाज से आते हैं, इनको भेजा गया है। तो कांग्रेस के एक बैलेंसिंग और तमाम वर्ग को लेके चलने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस एक डेवलपमेंट की सोच रखती है, तो ये कहीं पे सवाल पैदा नहीं होता कि किसी समाज को कम और किसी समाज को ज्यादा इसके अंदर दिया जाएगा। अच्छा सर, एक जैसे लोकसभा पर मैं आपका आपको लेकर जाऊं, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया, अभी महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं 48 सीटों में से कहीं भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। आप कह रहे हैं वजाद मिर्जा की बात अगर हो जाए, इमरान प्रतापगढ़ी की अगर बात हो जाए, ठीक है, इन लोगों की बात तो देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके पास में जो मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं उनको देना तो पड़ेगा ही आपको। लेकिन खास बात ऐसी है कि 48 सीटों में से एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा, तो क्या विधानसभा में भी यही होगा? विधानसभा में ये देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम चेहरे ही नहीं मिलेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के लिए बहुत सारे चेहरे आने वाले इलेक्शन के अंदर आपको जब टिकटें दिए जाएगी, जब होगा तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। जहां तक ये 48 सीटों को लेकर पार्लियामेंट का सवाल है, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें चुना कर लेकर जाए और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की सीटें पार्लियामेंट में हो, ताकि हम एक सरकार बना सके या फिर हम एक स्ट्रांगली विपक्ष में आ सके, जिसमें हम कामयाब हो चुके हैं। अब आने वाले लोकसभा विधानसभा इलेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे चेहरे नजर आएंगे जो कैपेबल रहेगा चुनके आने का, जिसका नाम सर्वे में आएगा उसी को बेशक टिकट दिया जाएगा। अब औरंगाबाद की बात मैं आपको करूं, औरंगाबाद में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम, आपको सीट मुझे लगता है शायद पूर्व से आपको सीट छूटेगी, पूर्व से छूटो या मध्य से छूटो, क्योंकि राष्ट्रवादी लास्ट टाइम छूटी थी। अब उसके अलावा अगर आपको सीट तीनों में से कहीं छूटती है तो आप लोग मांग करेंगे कि मुस्लिम चेहरा यहां पर होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो 1 लाख के करीब करीब वोट पूर्व से मिले हैं, मध्य से 1 लाख के करीब करीब वोट मिले हैं,
पश्चिम से कहीं ना कहीं कम वोट मिले हैं, तो लेकिन मेरी ऐसी एक सोच है कि मुस्लिम चेहरा कांग्रेस औरंगाबाद से देगी क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस स्ट्रांगली हम क्लेम करेंगे कि हमको पूर्व और मध्य दोनों भी सीटें हम लड़ेंगे, इसके अंदर हमारा पूर्व पूरा क्लेम रहेगा। इसके लिए अगर कभी दोनों सीटें छूटती है तो जो कैपेबल कैंडिडेट रहेगा उस कैंडिडेट को, जिसका नाम सर्वे में आएगा कैपेबल रहेगा, तो उसको टिकट दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, अगर कोई कैपेबल चेहरा रहेगा तो उसको बिल्कुल टिकट दिया जाएगा। अब आपको क्या लगता है, औरंगाबाद के नाम को लेकर एक बड़ा इशू अभी इस वक्त चल रहा है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, जिसे आप ही के पार्टी में जो थे शहर अध्यक्ष थे हिशाम उस्मानी साहब, उनका ये मानना था कि उनको मिनिस्ट्री दी जा रही थी, उनको एमएलसी दी जा रही थी, फिर भी उन्होंने उसको ठुकरा कर औरंगाबाद नाम के लिए वो पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी पार्टी को इस्तीफा दे दिया था, राजीनामा दिया था आप लोगों ने भी, लेकिन खास बात एक ऐसी है, अब अगर मैं देखूं तो ये चीज समझ में आती है कि चेहरा आपके पास बड़ा इस वक्त नहीं है औरंगाबाद। कल्याण काले थे, वो लोकसभा चले गए, अब यूसुफ भाई शहर अध्यक्ष है, वो एक बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा चेहरा बचा नहीं है जिसको लेकर आप विधानसभा यहां से लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे चेहरे हैं हमारे पास में। यूसुफ भाई शहर अध्यक्ष जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अहमद चोई जो आप देख रहे हैं हर मुद्दे को उठा रहे हैं, एमएम शेख साहब है, डॉक्टर जफर साहब जो विरोधी पक्ष नेता है, तो चेहरों की कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह अगर जो ऐसा मौका मिलेगा, जहां से सीट मिलेगी वहां से कैंडिडेट आपको आपके सामने आ जाएगा। और जैसे कि आपने सवाल किए बताए कि हमारे माजी सदर शहर हिशाम उस्मानी साहब, तो मेरा सवाल आपसे है कि उनको बीजेपी एमएलसी दे रही थी या बीजेपी मिनिस्टर बना कि कांग्रेस दे रही थी? सरकार गिरने के बाद कांग्रेस कैसे देंगे? सरकार गिर गई थी तब एक डिसीजन हुआ था, जो उद्धव ठाकरे का जो साहब का एक व्यक्तिगत डिसीजन था, जिसके ऊपर कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी। आप शरद पवार साहब ने एमजीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि भाई हमारी भूमिका ये नहीं, नाना पटोले जी ने अपनी भूमिका बताई कि हमारा भूमिका डेवलपमेंट का है, नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस की नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए कि शाहनवाज हुसैन के जगह पर या अब्बास नकवी की जगह पर मिनिस्ट्री दे रहे थे, शायद हो सकता है कांग्रेस की तो सरकार चली गई थी तो शायद इनको ये दे रहे होंगे। और हमारे शहर अध्यक्ष में अकेले ने राजीनामा नहीं दिया था, उनकी जगह उनके बहुत सारे तकरीबन 20 लोगों ने इसमें राजीनामे दिए थे, लेकिन जैसे ऊपर से जो तो पूरा क्लियर होगा कि अपना मुद्दा वो नहीं है, आप पार्टी में रह के उसके लिए संघर्ष करो, तो आप देख सकते हैं कि अहमद चोज भी केस के अंदर लड़ रहे हैं, मुश्ताक अहमद साहब केस के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। जहां तक हिशाम उस्मानी जी का सवाल है कि वो तो झूठ बात बोलना बहुत छोटी बात है, वो झूठ के मुजस्सिमे है पूरे। अच्छा, वो ऊपर से लेके सिर्फ झूठ ही बात करते हैं। जब पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र, औरंगाबाद जब कोरोना काल के अंदर उलझा हुआ था, लोग अपनी जाने बचाने के लिए उलझे हुए थे, मुसीबत में अवस्था थे, उस दौर में ये बैक साइड से कांग्रेस पार्टी के अंदर शहर अध्यक्ष बनकर आए, जबकि उस टाइम पे डॉक्टर जफर साहब का नाम था, उसके अंदर अहमद चौस का नाम था, लेकिन आपकी पार्टी अभी जो शहर अध्यक्ष का नाम आपकी ही पार्टी ने बनाया था ना उनको, तो हमारी पार्टी उसके बाद उन्होंने लेटर पे सिग्नेचर नहीं कर दिया, तो बता रहे बैकडोर से उनकी एंट्री हुई थी, जब वो एंट्री होकर आए तो तब जब उन्होंने कार्यकारिणी बनाई थी, उनकी कार्यकारिणी के अंदर जो एक्टिव लोग थे सबको साइडलाइन कर दिया गया था, पता नहीं कहां कहां से लोग आए थे, कोई ऐसे लोग जो गांधी भवन की सीढ़ी तक नहीं चढ़े, वो लोग उसको कोष अध्यक्ष बना दिया गया। उसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, शायद 1 मार्च 2022 की बात है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये सारे लोगों को बताया था कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर इन्होंने जो तो पार्टी का शोषण किया है, पैसे लेके पोस्ट दी गई है, तब ये तो पूरे शहर के सामने उजागर कर लिया था मैंने ये बात। तो वो कोई मुझे लगता है अब तक के सबसे नाकाबिल और सबसे कमजोर शहर अध्यक्ष है,
जिन्होंने कांग्रेस के जिसको 2 से 2.5 साल सत्ता के मिले सरकार, तो एक भी आदमी को इन्होंने शिव भोजन देने में नाकाम, दिलाने में नाकाम रहे, किसी को राशन की दुकान दिलाने में नाकाम रहे, किसी डेवलप मुद्दे को उठाकर उसको उजागर करने में नाकाम रहे, माइनॉरिटी के इश्यू पे बात करने में नाकाम रहे। ये सिंगल अकेले जाते थे, सिंगल बात करके आते थे। हाँ, अलबत्ता इनकी कई जमीनें इन्होंने उसमें क्लियर करवाई है, उसमें जो है तो कई जमीनों पर रास्ते निकलवाए, तो इन्होंने अपना जाति मफाद का उल्लू सीधा किया है। और मुझे तो ये लगता है कि नाम की वजह से नहीं, सरकार जाने के बाद ये पार्टी नहीं चला सकते है करके, इसलिए इन्होंने राजीनामा दिया था। अब मेरा एक सवाल ऐसा है सर आपसे, शायद ये सवाल आपको मुझे लगता है बुरा लगे, हिशाम उस्मानी आपके पार्टी में जब आए, आपका गांधी भवन पूरी तरह खंडर हो चुका था। मेरी बात को गलत मना ले, क्योंकि मैं जब देखता था, जब जब वहां पर कोई बड़े मिनिस्टर वगैरह आते थे, हिशाम उस्मानी आने के बाद में सबसे ज्यादा मुझे लगता है गांधी भवन को डेवलप अगर कोई किया तो हिशाम उस्मानी ने किया। उसको कलर तक नहीं था आपके गांधी भवन को, कलर करवाने का काम किया हिशाम उस्मानी ने। और मेरे को कुछ कुछ जो मुद्दे याद आ रहे हैं, उनके पास में एक फाइल बनी हुई है जो मुझे दिखा रहे थे एक मरतबा, उनकी फाइल में मुझे नजर आ रहा था कि कई पेचेज ऐसे थे कि उनका काम उसके ऊपर उन्होंने बताया। आप जैसे कह रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने, आपका ये आरोप है कि भाई पैसे देकर उन्होंने पोज दिए हैं, तो आपको ऐसा कंफर्म लगता है कि वो औरंगाबाद के मुद्दे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, चलिए ये मुद्दा कांग्रेस का एक अलग रह गया, तो क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए वहां पर? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, वो उनको पार्टी ने एक अध्यक्ष बोलकर बनाया था शहर का, ताकि वो शहर के लोगों को इंसाफ दिला सके, शहर के लोगों को कुछ काम कर सके, इसलिए पार्टी ने उनको शहर अध्यक्ष बनाया था। उनको वो कोई कॉन्ट्रेक्टर नहीं थे जो गांधी भवन को कलर मारने का काम उनको दिए थे या उनको सीलिंग का काम करने के लिए। ऑफिस ऑफिस की जगह होता है, लेकिन वहां से काम क्या किया गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक भी गांधी भवन जैसा था, उसी में से लोगों के भलाई के और हित के काम होते थे, कलर मारने से और बनने से काम नहीं होता है। मैंने कहा था सत्ता के 2.5 साल मिलने के बाद में भी एक भी पार्टी के एक भी इंसान को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे, एक का नाम भी लिस्ट में याद में नहीं ला सके, वो खुद का नाम डीपीडीसी में नहीं ला सके, तो उनसे क्या तवक्कु की जा सकती है? दूसरी बात, जैसे नाम के ऊपर जैसे आपका विषय है कि नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, जब औरंगाबाद के शहर के तमाम लोग, जिम्मेदार लोग, जब सिद्दीक भाई मोतीवाला के पास में जब सब जमा हुए, सारे लोग, हर सारे पार्टियों के लोग जमा हुए, और उसमें डिसाइड हुआ है कि एक मुश्ताक अहमद साहब जो 28 साल से इसके लिए शहर की लड़ाई लड़ रहे, उस दिन उन्होंने स्पीच में उनका भी नाम नहीं लिया कि जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है 1996 से, जिन्होंने नाम बचा के रखा है, कम से कम याचिका में उनका भाषण में उनका नाम लेना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, सामने वाले का नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इनकी राजनीति सस्ती राजनीति है। अच्छा, जब सारे लोगों ने अपील की कि एक ही ये याचिका रहेंगी मुश्ताक भाई की, जिनको इसको अपना बेनिफिट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके आए हैं, तो उस पर इन्होंने उन लोगों की, सारे लोगों की बात ना मानते हुए अलग से जाके इन्होंने अपना मुश्ताक भाई की याचिका दाखिल होने के बाद में इन्होंने याचिका अपनी दाखिल की है। दूसरी बात, इनके पास सीनियर काउंसिल नहीं था साहब, सीनियर काउंसिल होना चाहिए लड़ने के लिए। मुश्ताक भाई की जो पिटीशन थी, पिटीशन को उसमें से थोड़े पेजेस कॉपी करके उसके बाद में 5 पेजेस में अपना खुद का बायोडाटा, 2 एकड़ जगह मेरी हरसुल में है, मैं एजुकेटेड हूं, मैं MBA हूं, मैंने अच्छा काम किया करके इसलिए पार्टी ने मुझे शहर अध्यक्ष बनाया। आप एक तरफ पार्टी को बुरा बोलते हैं और दूसरी तरफ जो है तो अपने आप याचिका के अंदर कांग्रेस पार्टी का उल्लेख करते हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड बात है ना। ये उनके पिटीशन में, हाँ, उनके पिटीशन के अंदर है, जबकि सीनियर काउंसिल यूसुफ माशाला साहब, जिन्होंने जो कृष्णा कमीशन और कई बड़े बड़े कमीशन के केसेस लड़े हैं, जब सारे शहर ने उनको हायर किया है, तो अपनी अलग से याचिका डालने की जरूरत क्या, जब आपके पास सीनियर काउंसिल नहीं है। यूसुफ माशाला साहब ने पूरे आर्ग्यूमेंट्स, अगर अभी तक के आर्ग्यूमेंट्स आपने उठा के देख लिए, तो 8 घंटे उनका आर्ग्यूमेंट चला है। अब इनके पास सीनियर काउंसिल नहीं था, इनके सीनियर काउंसिल ने कितने मिनट आर्ग्यूमेंट किया था ये देख लिया, आखिरी हेयरिंग के दिन आए और बोल दिए कि स्टे दो, ने तो फैसला दे दो। दूसरी बात, मेरा तो कहना यह है कि औरंगाबाद का जो नाम खराब, स्टे नहीं मिला है, औरंगाबाद का केस जो कपा है, उसके वाइस जिम्मेदार हिशाम उस्मानी साहब है, जबकि यूसुफ माशाला साहब जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जो लड़ रहे थे,
उन्होंने कभी भी आके मीडिया में बाइक नहीं दी, कभी भी अपना जो तो जो अपनी लाए अमल है जिसपे वो लड़ रहे वो कभी मीडिया के सामने आके नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ जो तो वहां पे सुने क्या चल रहा है बाहर आके मीडिया को बता दिए। इनके पास तो एसएस काजी साहब के जरिए उन्होंने केस एडमिट किया, और आप पूरा भी उठा के देख लीजिए हाईकोर्ट में रिकॉर्ड होता है कि कौन से वकील ने कितने देर बात की है करके, आप रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ऐसा है, लोकसभा की सीट आप हारे हैं यहाँ पर, लोकसभा आप हार चुके हैं, जब मुझे लगा था कि आप बहुत जिस तरीके से आप लोगों का काम चल रहा था लगा था कि कम से कम आप बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था, या फिर दूसरे नंबर पर आप कम से कम रहेंगे, लेकिन हुआ तो ये कि आप डायरेक्ट तीसरे नंबर पर चले गए, दूसरे पर भी नहीं रहे आप। अब जो पार्टी दूसरे नंबर पर रही है वो यहां पर बहुत स्ट्रांग है, और खास बात ऐसी है कि औरंगाबाद के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। अब आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में उतना दम कम है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर सकती? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर स्ट्रांग नहीं है, मजबूत है। हमारे सारे बूथों के ऊपर शहर अध्यक्ष शेख यूसुफ साहब की अध्यक्षता में सारे कमेटियां बन चुकी है, बूथ कमेटियां है, हमारे मंडल कमेटियां है, और वह पब्लिक के जो जनहित के जो मुद्दे है, रोजमर्रा के जो मुद्दे, जैसे पानी को लेकर हमारे पास में आंदोलन हुआ है, हमारे पास में हज हाउस ओपन करने के लिए हम चौस ने आंदोलन किया है, उसके बाद हज हाउस के अंदर कोई और ऑफिस नहीं आना करके शहर अध्यक्ष शेख यूसुफ साहब ने उसके ऊपर आंदोलन किए। अगर आप देखेंगे नाम, शहर के नाम को लेकर अगर देखेंगे तो मुश्ताक अहमद साहब शेख और हमद चौस ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी से बिलोंग करते हैं, ये वो काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो तो कटकट गेट के इशू को लेकर हमने इसके अंदर इशू उठाया, तो कांग्रेस पार्टी लोक हित के काम करने में कहीं भी पीछे नहीं है, ये बात सारी उसके सामने भी उजागर है। और आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आपको कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए, ये थे सोहेल मसरूर सोहेल खान साहब, जैसे कि ये प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, इनसे जब बात करकर एक चीज ही पता चली है कि अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आप सीटें मुस्लिम समाज के लिए मांगेगी, जैसे दो सीटें पूर्व हो गया और उसके अलावा मध्य हो गया, दोनों के लिए इनकी मांग है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट यहां से दे। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में विधानसभा इलेक्शन बहुत करीब है, अब विधानसभा इलेक्शन होगा, किस तरीके की रणनीति बनेगी, कौन किस पार्टी में जाएगा, क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, देखने के लिए जुड़ते रहिए हमारे औरंगाबाद अपडेट चैनल के साथ। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।